प्रतुल जी तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि एक तरह से उन्होंने जो भाषा विवाद चल रहा है साउथ में उसको एक बार और नई दिशा दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदी स्पीकर्स जो है, हिंदी बहुत भाषी है, वो पानी पूरी बेचते हैं कोयम्बटूर में। ये बहुत दुखद है और गैर संवैधानिक कार्य है मंत्री जी का। मंत्री जब भी शपथ लेते हैं तो संविधान के प्रति आस्था की शपथ लेते हैं, किसी व्यक्ति को धर्म विशेष भाषा जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करने की शपथ लेते हैं, लेकिन ये मंत्री वही कर रहे हैं, ये हिंदी भाषियों को टारगेट कर रहे हैं। भाई ये हिंदी भाषी अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और अपनी रोजी रोटी इज्जत से बिजनेस करके चला रहे हैं, वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मंत्री की तुच्छ दृष्टि है, वो किसी भी चीज को गलत तरीके से पेश करते हैं। ये गैर संवैधानिक बयान है और इनको अविलंब कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए। सोनिया गांधी कांग्रेस के इंटरिम प्रेसिडेंट चिंता शुरू में उन्होंने कहा है कि कांस्टेंट डर में लोग जी रहे हैं, एकदम एक भय का वातावरण है और जो माइनॉरिटीज है उनको ब्रूटलाइज किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। देखिए कहते हैं ना, ये घड़ियाल के आंसू वाला जो मुहावरा है वो आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए ही बनाया गया है। ये उस समय इनके आंसू कहां थे, उस समय इनकी सोच कहां थी जब हजारों सिखों का नरसंहार हो गया था दिल्ली में, वो भी तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते थे, और इनको तो बाटला इनकाउंटर में जब आतंकवादी मारे गए थे तो इनको रात में नींद नहीं आई थी क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से बिलोंग करते थे। तो हम तो सोनिया गांधी जी से कहना चाहेंगे कि ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें, और इनकी सरकार ने, सच्चर कमेटी ने इनकी सरकार की कलई खोल दी थी कि माइनॉरिटीज का कितना डेवलपमेंट इनके 5 दशकों के शासनकाल में हुआ था, और काश यही सोच इन्होंने बहुसंख्यक समुदाय के लिए भी रखी होती। की पार्टी और शिवसेना दोनों ने अकबरुद्दीन वैसे पर बड़ा कड़ा रुख दिखाया है क्योंकि वो औरंगजेब के मजार को विजिट करने गए थे। देखिए ओवैसी बंधु ऐसे सांप्रदायिक बयानों के लिए जाने जाते हैं, खास करके अकबरुद्दीन ओवैसी तो देश विरोधी बयान देने के लिए भी जाने जाते हैं। आज वो औरंगजेब के मजार पर जाकर घुटने टेक रहे हैं, सर को टेक रहे हैं, और कल वो तैमूर द लेम और जो चंगेज खान था उसके मजार पे भी जाएंगे जिन्होंने बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम किया था। औरंगजेब एक विदेशी आक्रमणकारी था जिसने हिंदुओं पे अत्याचार किया था, जाजिया टैक्स लगाया था, उसके मजार पर जाकर इनका घुटने टेकना ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये आदमी पागल है, और पागलों की जगह पागलखाने होती है, इसे पागलखाने में डालना चाहिए।